गर्लफ्रेंड ले लो, जीएस ले लो, 150 रुपया देगा। चला जा भोसड़ी के। तो देखो लॉन्डो, तुमने डीजे आलोक गिव अवे देखा होगा, आईडी गिव अवे देखा होगा, डायमंड गिव अवे देखा होगा, लेकिन क्या कभी तुमने गर्लफ्रेंड गिव अवे देखा है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैं यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था, स्क्रॉल डाउन कर रहा था, और अचानक मेरे मुंह के आगे क्या आता है, गर्लफ्रेंड गिव अवे। अरे भैया ये देखने के बाद मैं सीधे वीडियो में कूद गया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक तो हम सिंगल लौंडे, कोई मामूली सिंगल भी नहीं, प्योर सिंगल, जिसके ऊपर लड़की की छाया कभी जिंदगी में ना पड़ी हो, वैसे सिंगल। तू सिंगल ही मरेगा। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे मन से सिर्फ एक आवाज आई, ये तो गट्टी है। तो आओ जरा गौर फरमाते हैं गर्लफ्रेंड गिव अवे पर। अरे हेलो दिया, अरे यार क्या फेक गिव अवे करते हो, अभी तक गिव अवे नहीं दिया आपने तो मुझे। अरे क्या हो गया भाई, मैं तो अभी। अब मैं तुम्हें वीडियो की स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। जो ये दो मनुष्य आपको दिख रहे हैं, लौड़ा और लहसुन, ये दोनों जी चुके हैं डायमंड गिव अवे। और जो ये तुम्हें दीदी दिख रही है, जो ये सामने दीदी खड़ी है, ये दीदी इन्हें देने वाली है डायमंड। देने की बात कर रहा हूँ, ठहर गयो, कुछ उल्टा मत सुनो, डायमंड देने वाली है दीदी। तो मैंने जस्ट पढ़ाई करके गेम पे आ गई। कौन है ये? अरे मेरी डियर। हेलो है? हेलो, अरे डियर बनोगी मेरी क्या? देख रहे हो लसन को, ये वही लौंडे है जिन्होंने कभी लड़कियां नहीं देखी होती, जो ये सोचते है कि लड़कियां दूसरे प्लेनेट की होती है, इस दुनिया की नहीं होती। अरे हमें गिव अवे में एक चेन चाहिए। क्या चेन चाहिए? अरे हमें डायमंड नहीं चाहिए, हमें ये लड़की चाहिए, क्वीन। मुझे क्वीन चाहिए। क्या? हाँ गिव अवे में थोड़ा ही चेन चाहिए। अबे तुम लोग सठियागे हो भाई, क्वीन देखो ये क्या बोल रहे हैं भाई, सठियागे हो। कौन कौन बंदे गिवअवे पे भाई, कौन गिवअवे पे गर्लफ्रेंड देते भाई, कुछ भी गर्लफ्रेंड गिवअवे कौन करते भाई। गर्लफ्रेंड गिवअवे ही कर डाला, वाह भोसड़ी वालों वाह। और जो ये दीदी है, दिया दीदी, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग करना सीख लो। जो ये 4 रुपए की एक्टिंग है ना, इससे सिर्फ 9 साल के बच्चों का ही चूतिया काट सकती हो। सही पकड़े हैं। अरे सचिन तो नाम का ब्रेन मास्टर है, मैं तो सच्चा प्रो हूँ। अरे नाम का ग्रैंड मास्टर है। अरे झगड़ा मत करो। एक लड़की, सिर्फ एक लड़की दोस्तों में आग लगा सकती है। अरे भैया ये तो एक लड़की के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ भी रहे हैं, तो वो भी स्क्रिप्टेड लड़ रहे हैं, और स्क्रिप्टेड भी लड़ रहे हैं, वो भी एक चालू लड़की के लिए। मैं कस्टम बनाएंगे, कस्टम पे तुम दोनों में से जो भी भैया करेगा, मैं उसको मेरी फ्रेंड में ले लूंगी। ओके लॉन्डो, तुम इसे कोई मामूली लड़की मत समझना, ये बहुत बड़ी चालू औरत है, इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दो लॉन्डो को यहाँ पर को लड़ाई पे उतारने को तैयार है। अरे दीदी मेरी नया बॉयफ्रेंड है, मैं क्या उसको बुला सकती हूँ? एहे, रहा नहीं जाता। अच्छा ऐसे आप कहाँ रहते हो? हम तो मुंबई में रहते हैं। सिंगल हो? ये लौंडा और बड़ा चालू निकला, इसके पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी लौंडिया को ताड़ रहा है। वाह मोदी जी वाह। और मुझे कोई ये बताओ, मैंने पूरी की पूरी वीडियो देख डाली, लेकिन मुझे ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पर को भी गर्लफ्रेंड गिव अवे नहीं दिखा, समझे दया? ये दीदी चूतिया बना रही है। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन इसको प्रेस करके ऑल पे डाल दो, ताकि बोरिंग जिंदगी से तुमको छुटकारा मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे डाल देना। तो यार मिलते हैं अगले एपिसोड पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टाटा बाय बाय।